बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार की पहली शिक्षा भर्ती की कट ऑफ अंक पर आज फैसला आ सकता है। तो आज इसी पूरे मामले को लेकर फैसले की घड़ी है, जहां आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती का यह मामला, और इसी मामले पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला सुना सकती है। तो 29 नवंबर 2018 को कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। कट ऑफ अंक को लेकर कोर्ट की शरण में कई कैंडिडेट्स गए थे और इसी पर अब आज ये फैसला आ सकता है। और अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है, क्या संभावना है आज के इस फैसले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ अंक को लेकर जो कई विद्यार्थी जो कोर्ट गए थे, कोर्ट में न्यायालय की शरण लिया था, हाईकोर्ट बेंच से आज वो फैसला फैसला आएगी आज, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के मामला था, जिसको योगी सरकार नो रोक दिया था। बताया जा रहा है कि इस पर विद्यार्थी जो है 2018 में लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए थे, कई विद्यार्थियों की इसमें जान भी चली गई थी। उसी को लेकर जो है कई विद्यार्थी आज हाईकोर्ट में गए थे, जिसको लेकर आज फैसला सुनाया जाना है। तो इस पर जो है विद्यार्थी शिक्षकों के लिए भी खुशी की होगी, अगर उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है ये। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह का ये फैसला है, इसको लेकर योगी सरकार भी कोशिशों में थी कि जल्द से जल्द मामला निपट जाए, और कैंडिडेट्स काफी समय से आस लगाए हुए हैं कि आखिरकार जो कट ऑफ है वो कब आएगी। ऐसे में राहत मिलने की उम्मीद ज्यादातर यहाँ पर कि जो कट ऑफ है उसको लेकर फैसला जो है वो जल्द से जल्द आ जाए और कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर साबित हो जाए। जी देखिए, योगी सरकार पहले से काफी शिक्षा भर्ती मामले में संदिग्ध थी, और उन्होंने कई बार कोशिश भी किया था, लेकिन जो विद्यार्थी कुछ कट ऑफ को लेकर कोर्ट के शरण में चले गए थे, इस वजह से कोर्ट पर निर्णय को छोड़ दिया गया था। कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको मान होगा, तो कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से 68,500 शिक्षक भर्ती के मामले में जो सुनवाई आज होगी हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ सुनाएगा, उसमें कहीं ना कहीं अगर इनके पक्ष में फैसला आता है शिक्षा भर्तियों को, शिक्षक की भर्ती को लेकर जो फैसला आएगा, जो उत्तीर्ण परिषद छात्र हुए थे उनको अगर फैसला आता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी खुशी की लहर होगी और सरकार के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी सरकार, आपको बता दें कि जिसको लेकर ये कहा गया था कि शिक्षक भर्ती का ये जो मामला है उसमें अंत के दिन में ही कहा जा रहा था कि जो कट ऑफ थी ओबीसी के लिए 45 और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 40 जो प्रतिशत तय था उसे सरकार ने लिखित परीक्षा के ठीक पहले बदलकर यहां पर 33 और 30 कर दिया था। वहीं हाईकोर्ट में बदले कट ऑफ अंक को लेकर चुनौती दी गई और अंतरिम आदेश पर, मूल शासनादेश पर भर्ती का परिणाम जारी हुआ, लेकिन अब इसी को लेकर आज फैसले की घड़ी है और देखना होगा कि फैसला आखिरकार क्या होता है।